हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट देन रिजल्ट में बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे, हमने देखा था आगे जो टॉपिक्स था आपका, नेक्स्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया है टाइप्स ऑफ वेक्टर पे किया था, यानी कि वेक्टर के कितने प्रकार है। उससे हमने क्वेश्चन भी देखा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन हमने देखा था कि को इनिशियल वेक्टर टाइप का क्वेश्चन था कि को इनिशियल वेक्टर कौन है, को लिनियर वेक्टर कौन है, इक्वल वेक्टर कौन है। को इनिशियल में हमने बताया था कि यदि दो सदिश दो या दो से अधिक सदिश हो जो कि एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो और दो या दो से अधिक हो, तब वो को इनिशियल वेक्टर था। को लिनियर में क्या चीज था, हमने देखा था कि दो वेक्टर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, को लिनियर मतलब संरेख, या तो एक ही बिंदु पर हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो सकता है। अब देखे थे इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, पैरेलल भी हो वेक्टर, और उसके बाद उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब वो वेक्टर इक्वल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है फिगर दे करके। तो आज हम देखेंगे इन दिस टॉपिक्स वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू एड टू और मोर वेक्टर, यानी कि हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर को कैसे एड करेंगे। यदि आपको दे दिया गया इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज एंड वेक्टर सी, यानी यदि तीन गो वेक्टर दिया रहे आपको ऐड करने के लिए बोले, तो आप कैसे ऐड कीजिएगा, या दो वेक्टर दिया रहे और दोनों को ऐड करके आपका रिजल्टेंट वेक्टर वहां से पूछे, तो आप कैसे आंसर दीजिएगा, आज हम उसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाई मेरे, चलते हैं बस टॉपिक में इन करते हैं। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, या केवल हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में ही आता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें तीन ला होते हैं, मुख्यतः इसमें तीन ला होते हैं, मुख्यतः कितने नियम होता है, तीन नियम होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो है ट्रायंगल ला ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के योग के त्रिभुज नियम, सदिश के योग के त्रिभुज नियम, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। और दूसरा है क्या चीज, पैरालेलोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि समानांतर चतुर्भुज, सदिश के योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, यानी कि योग के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम, योग के लिए त्रिभुज का नियम, और तीसरा योग के लिए बहुभुज का नियम, यानी पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां से तीन नियम आपके हैं, पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, यानी तीन नियम का हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देख भाई, ये इतना बड़का वो लॉ है। सबसे पहले आते हैं एक टॉपिक्स पे, थोड़ा सा रिकॉल करो पीछे का चीज कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से किए थे, और हमने बताया था कि इस पोर्शन को हम हेड भी बोलते हैं और इस पोर्शन को टेल भी बोलते हैं, या ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, टर्मिनल पॉइंट भी इसको बोले थे, और इसको टेल बोलते थे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हेड का मतलब माथा मान के चलो, या सिर भी बोल सकते हैं, और ये क्या हो गया, पूंछ हो गया। ठीक है, पूंछ हो गया। अब देखो इसका बताने का मकसद क्या चीज है, ये समझते। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि यदि आपका दो वेक्टर दिया गया है, यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए इस प्रकार से है और दूसरा वेक्टर इस प्रकार से वेक्टर बी है, अब ये दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो देखो क्या करना है, जोड़ने में क्या करना है कि वेक्टर यानी पहिलका वेक्टर के माथा मतलब समझ गई, तो पहिलका वेक्टर के माथा यानी कि हेड पे, दूसरका वेक्टर को के टेल को शिफ्ट करना है, दूसरका वेक्टर के टेल को शिफ्ट करना है। पहिलका वेक्टर ए हो गया, एक कर हेड पे दूसरका के टेल को फिक्स करना है, कोई दिक्कत नहीं आता।
अब क्या होगा कि पहिलका के टेल से यानी कि पहिलका के पोछी से दूसरका के जो माथा होगा, दूसरका के जो हेड होगा, वहां जो वेक्टर जाएगा वही इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, या बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर ए प्लस बी, यही इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बस ये नियम यही कहता है कि फर्स्ट वेक्टर जो होगा उसके हेड पे दूसरका के टेल को शिफ्ट करना है और पहिलका के टेल से दूसरका का जो हेड होगा वही मिलेगा, वही इसका एडिशन रिजल्टेंट होगा। ठीक है, वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, परिणामी सदिश होगा। तो ये चीज यहां पे हमने देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसी में, देखिएगा यदि मान ले ये है ए पॉइंट, ये बी है, ये सी है, तो हमने क्या देखा यहां पे ट्रायंगल्स ला में क्या देखा कि ए बी वेक्टर जो है और प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, ए सी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहां से कि वेक्टर ए बी बी सी ए सी, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर ए सी, ए सी है। अब इसको हम यदि सी है, देखो बताए थे कहां पे इनिशियल पॉइंट यदि चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज को लिखने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन दे देते हैं। तो यहां से यदि सी टू ए हम लिखना चाहेंगे तो यहां माइनस देना पड़ेगा। देख भाई यही चीज थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करना है कि वही चीज को लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और यहां माइनस है तो ई पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस सी ए बराबर जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो नहीं लिखना, केवल जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में ही से यहां से इधर कर रहे हैं, वेक्टर था ही, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब देखो यहां से ये फिगर से देखो कि जब ए बी जा रहा है, बी सी जा रहा है, सी ए, यानी कि यही पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चलना और फिर यही पॉइंट पे चला आ रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो रहा है, रिजल्टेंट यहां पे शून्य हो जा रहा है, यहां पे रिजल्टेंट शून्य हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम क्यों इतना बोल रहे हैं? तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। देखो ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है इसे कि किसी त्रिभुज में इन अ ट्रायंगल्स प्रूव दैट ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर जीरो। तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, बस इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। एक वेक्टर ले लेना है, एक वेक्टर ए ले लेना है, एक वेक्टर बी लेना है, उसका रिजल्टेंट निकाल देना है, बस इसी तरीके से दो स्टेप में जाना है, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा, ये तो देख लिए डिफिनेशन टाइप पे ये था। ठीक है, अब जो इसमें आते हैं मैथमेटिकली रूप में, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ये था मेरा वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, और इसमें गया था वेक्टर बी था, और ये गया यहां से रिजल्टेंट इसका। कोई दिक्कत यहां तक? देख भाई क्या बताए थे, पहिलका के हेड पे दूसरका का टेल और पहिलका के टेल से दूसरका के हेड, यानी कि पहिलका के माथा पर दूसरका का पोछी और दूसरका के माथा से पहिलका का पोछी मिला देना है, वही उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये वेक्टर ए था, वेक्टर ई हो गया, और वेक्टर ए प्लस ई वेक्टर बी, या इसी को रिजल्टेंट बोले। ठीक है, छोटे आर मान लेते हैं, सब छोटा यहां पे लिए हैं, स्मॉल में लिए। यहां से एक काम हम कर सकते हैं, ये लाइन को इधर की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम लोग लंब डाल दिए, ये मेरा 90 डिग्री यहां पे हो गया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो ये एंगल पे होगा, मान लिए ये थीटा एंगल पे है, कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब ये थीटा एंगल पे है तो ये कंपोनेंट भाई बताओ क्या होगा, जब कोई बेस से या कहीं से जब थीटा एंगल पे होगा तो ये थीटा एंगल वाला जो होगा साइड, ये कॉस थीटा होता है रिजल्टेंट मिला करके, रिजल्टेंट को गुना करके, तो इसका रिजल्टेंट देखो इस ट्रायंगल में इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका जो कर्ण होगा उसमें मिला देंगे तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। अब केवल बी क्यों लिख रहा है, यानी कि वेक्टर बी का हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम तो केवल बी में आ जाता है, यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो केवल ए आ जाता है। बस यही चीज यहां की है कि बी कॉस थीटा ये हो गया, और यहां पे ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। और ये ए है, या इसको ए भी हम समय पड़ेगा तो ए भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, ये था ए
बी सी ये पॉइंट हम डी मान लिए। तो अब चलते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में, इन ट्रिएंगल ए डी सी। एडीसी में जाने से हमको फायदा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियोरम, बाय पाइथागोरस थियोरम, पाइथागोरस थियोरम से क्या हमने हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ये दोनों का लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या चीज, एसी का स्क्वायर बराबर एडी, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब कोई जानता होगा भाई कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बिहार बोर्ड से पढ़ के आया होगा, यही जानता होगा। तो वही चीज है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया बड़का त्रिभुज में, और ये इसका लंब हो गया। क्यों? क्योंकि हम चल रहे हैं ए डी सी त्रिभुज में, यहां से चल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर, बड़का में चले थे, तो अब देखते हैं एसी बराबर, तो एसी यहां पे क्या चीज था, रिजल्टेंट वेक्टर आर था, तो आर का स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी हम लिख सकते हैं, यानी ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यहीं पे एसी ये छोड़ दीजिए। अब देखो एसी को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी प्लस बी डी, ए बी को हमने क्या बोला था कि ए भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ला पर, प्लस ये क्या हो गया बी कॉस थीटा था, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी, ये बी कॉस थीटा था भाई देखो, और ये दोनों मिल करके, ये और ये मिल करके ये पूरा ये बना था ए डी। अब देखेंगे कि सी डी कितना है, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्यों बता रहे हैं? तो बता इसलिए रहे ताकि जब दो वेक्टर दिया गया रहे क्वेश्चन में और उसका रिजल्टेंट यदि आपसे पूछ दे तो आप उसका रिजल्टेंट बता सकते हैं। ये आपका मैकेनिक्स में भी काम देगा, मैथ में भी काम देगा, मैकेनिक्स जब आपको पढ़ना है उसमें भी आपको काम देगा। तो देखिए यहां पे ये जो रिजल्टेंट हो गया आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग क्या जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हम लोग जानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई बी कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस टू ए बी कॉस थीटा यानी टू ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, अब देखो कॉस वाला के और साइन वाला के अलग है, काहे कर रहे हैं, काहे कि बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहा है। देखो सभी सब अलजेब्रा जो पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगा कि साथ है, काहे करते हैं, काहे कि दोनों सेम मिल रहा है तो यहां से कॉमन ले सकते हैं, सीधा सा बात। तो यहां से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे, तो देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और प्लस दिखाई दे रहा होगा, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को साथ कर लिए। इसके से एक स्टेप कर सकते हैं, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक बार कॉमन ले ले हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज वन होता है, तो ये वन भी यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसी में देखिएगा ऊपर हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वहां से और सब देख करके लिख लीजिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आपका हो गया रिजल्टेंट ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर का। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आपको हम बताएंगे, तुरंत इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले एक और लॉ था, क्या चीज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, तो उसको देख लेते हैं। ये याद रखिएगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। दूसरा क्या लॉ है इसमें, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ
एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के योग के लिए क्या चीज, सदिश के योग के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज का नियम। अब ये समानांतर चतुर्भुज का होता है उसको समझ ले पहले। तो समानांतर चतुर्भुज होते हैं वो, देखिए बता दे रहे हैं, जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ई भुजा बराबर ई भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कि ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें काम देगा। तो पैरालेलोग्राम में क्या होगा देखिएगा, बस वही टाइप्स है। यदि कोई वेक्टर दिया रहे, वेक्टर ए बराबर और प्लस वेक्टर बी दिया है, ठीक है, दू गो वेक्टर दिल है, अब बोल रहा है कि हमको जोड़ना है, तो एक के हम देखे ट्रायंगल्स में कुछ नहीं करना है, एक कर मथवा पे बस एक कर पोजी शिफ्ट कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ट्रायंगल्स में। देख अब इसमें क्या करना है कि वही कॉन्सेप्ट है, पहिलका के माथा पर यानी कि पहिलका के हेड पे दूसरका के टेल को शिफ्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, पहिलका के माथा पे दूसरका के पोछी, दूसरका के पोछी था उसको शिफ्ट कर दिया, जैसे है उसे ही वही डायरेक्शन में, अलग अलग नहीं करना है करने। अब क्या करना है कि पहिलका के जो पोछी है ओकरा पर जो पहिलका है दूसरका का जो पोछी था उसको शिफ्ट करना है, बस पैरेलली उसी को शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट हो गया। अब क्या करना है कि बस इसको इसी डायरेक्शन में जैसे है वही डायरेक्शन में मिला देना है। अब जो यहां से ये पहिलका और दूसरका का जो टेल होगा वहां से जो रिजल्टेंट निकल कर जाएगा वही इसका रिजल्टेंट फैक्टर होगा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा कि पहिलका के हेड पे दूसरका के टेल को जोड़ते हैं और पहिल दूसरका के जो टेल होगा उसको पहिलका के टेल से समानांतर लेके जाते हैं और फिर क्या होता है कि दूसरका के हेड पे पहिलका के टेल को पैरेलली शिफ्ट करके उसके दोनों के पहिलका और दूसरका के टेल को बीच में से हम यहां से रिजल्टेंट निकाल देते हैं, यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर आर हो गया, समझ में तो नहीं आया होगा कुछ, उतना मत जानो, पेचीदा चीज है। पहिलका के माथा था, दूसरका के पोछी शिफ्ट कर देना है, एकरे पैरेलल यहां लेके चलाना है और ये मिला देना है, बस यहां से इसका रिजल्टेंट गुजर गया, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहां से, ये दोनों तो ऐड हो गया, अब ये ऐड हुआ तो एकरों में कुछ ना कुछ तो नियम होगा, तो बस वही चीज वह एकरों में आएगा भाई, जो कॉन्सेप्ट वहां लगाए थे वही यहां पे ए बी सी डी करके आप निकाल सकते हो, तो वहां पे भी रिजल्टेंट आपका यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद रखिएगा। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यही कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल्स में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, पॉलीगंस लॉ आता तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप जान ले उसको, पॉलीगंस लॉ को थोड़ा सा, पॉलीगन फ्ला में भी वही होता है, बस जोड़ी चल जाना, सब में वही होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम देंगे अभी तुरंत, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पॉलीगन्स लॉ में क्या चीज होता है कि इसमें दो से अधिक होगा, यदि रहेगा वेक्टर ए इस प्रकार से, वेक्टर बी रहेगा इस प्रकार से और वेक्टर ए को सी दे देगा इस प्रकार से। ठीक है, अभी एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, फिर सबस्ट्रक्शन देखेंगे, सबट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, सब जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वेक्टर ये कुछ नहीं, एकरा पर इसे जोड़ना है, जैसे शिफ्ट है वैसे शिफ्ट करना है, ये तीसरका है इसको इसे शिफ्ट करना है, ये इसका पहलका से। देख भाई वेक्टर में जो रिजल्टेंट निकलता है हम बताए थे पहले ही कि डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु और इनिशियल बिंदु दोनों को मिला देना है, बस मेन कॉन्सेप्ट यही। तो ये हो गया पॉलीगंस लॉ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा कैसे पूछेगा पॉलीगंस लॉ में, तो देखिए इफ, देखिएगा लिखिएगा आप लोग, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इफ वेक्टर ए, ए वेक्टर हो गया प्लस वेक्टर बी, ए वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन
फाइंड द देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर यानी कि फाइंड करना है आपको रिजल्टिंग वेक्टर का डायरेक्शन केवल। तो देखो ऑप्शन दे दे रहे हैं, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी में ऑप्शन डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा क्या होगा कि बोल रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, तीन को वेक्टर है और तीनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, उसका डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में रिजल्टिंग वेक्टर होगा, रिजल्टिंग वेक्टर का डायरेक्शन बताना है आपको। तो देखो काका वेक्टर ए है तो इसको शिफ्ट करना है, वेक्टर बी है और उसी ही शिफ्ट करना है, वेक्टर सी है भाई ऐसे ही लेके चलाना है। अब देखो तीसरा क्या चीज है हमको निकालना है, तो रिजल्टिंग जाहिर सी बात है इससे होगा। अब देखो ये डायरेक्शन में ऐसे सिंबल करने हैं तो ये वाला है, ये आंसर हो गया, कितना इजी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको व्यक्ति में दे सकता है, मैथ में देगा नहीं, फिजिक्स के लिए ज्यादा है, मैकेनिक्स में दे सकता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, इसमें क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा थोड़ा सा उसको देखेंगे, देखिएगा आगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा गया है द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस 2 newtons एंड 4 newtons एक्ट एट एंगल ऑफ 60 degrees टू ईच अदर एक दूसरे से, देन फाइंड द सम ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर यानी कि परिणामी सदिश का योग आपको ज्ञात करना है। तो हम पढ़ चुके हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो कोई भी चीज हो, कोई भी मैथ हो, कोई भी चीज हो, बनाने से पहले लिखेंगे कि दिया क्या गया है। तो दिया गया है ऊपर से क्या चीज है, देखो गिवेन है, क्या चीज गिवेन है आपका, एक वेक्टर ए है 2 newtons ये मान लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और बी है कितना 4 newton का, तो बी बराबर 4 newton और थीटा बराबर कितना 60 degree। तो रिजल्ट पूछ रहा है यार, हम जानते हैं क्या चीज से, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, या आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब कुछ करना है, ए का मान पुट करो, बी का मान पुट करो, 2ab cos थीटा पुट करो यहाँ पे। तो ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 दुना का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान 4 इंटू cos थीटा का मान 60 degree। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान बताओ जल्दी, ये हो गया 4 प्लस 16 20 प्लस 2 दुना का 4 चौ का 16 और ये हो जाएगा कितना 1/2, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का उल्टा होता है क्या cos, तो ये हो जाएगा 1/2 2 8 16 और ये है कितना 20 प्लस 8 हो जाएगा यानी रूट अंडर 28 newton का ये आपका परिणामी रिजल्टिंग वेक्टर एक्ट करेगा वहां पे फोर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन, अब यहीं पे क्वेश्चन एक और रहता आपका, एक है 3 newton का लग रहा है 4 newton का और यहाँ पे 90 degree पे यदि लग रहा है, देखो एंगल चेंज कर रहेगा तो 90 degree में आओ आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि cos 90 यहाँ पे आपका 0 ये हो जाएगा और ये 0 हो गया तो ये 3 9 हो जाएगा, 16 ये पूरा 0 हो जाएगा और 16 और 9 कितना रूट अंडर 25 यानी कि 5 newton आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो होगा और थोड़ा सा हाई लेवल पे चढ़ते हैं। ये था थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन है, बुद्धि बढ़ावे भर, और वहां से थोड़ा सा और बुद्धि बढ़ाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट हाई लेवल का, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हल्का सा लेवल को बढ़ाया गया है क्वेश्चन में। ये दिया गया द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस इज 2 newtons एंड 3 newton एंड इफ द सम ऑफ रिजल्टिंग फोर्सेस, यानी कि दो फोर्स दिया गया है, एक है 3 newton का और एक 2 newton का और एक है 3 newton का, और दोनों के परिणामी सदिश का जो योग है वो कितना है, वो है 5 newton, देन व्हाट डिग्री एंगल्स विल इट वर्क, यानी कि यह कितने कोण पर कार्य करेगा, यानी कि एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा है
ट्रायंगल्स ला या पैरेललोग्राम ला ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से कि क्या पढ़ा था, सबसे पहले दिया क्या गया वो लिखते हैं। तो वेक्टर ए यहाँ पे 2 न्यूटन हो गया, वेक्टर बी बराबर 3 न्यूटन हो गया, और मैग्नीट्यूड है बी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे रिजल्टिंग जो वेक्टर है आपका आर का मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हैं या केवल आर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 न्यूटन। तो थीटा बराबर व्हाट, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आराम से निकलेगा, कुछ नहीं करना है, मान पुट करना है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट रिजल्टिंग वेक्टर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो रिजल्टिंग कितना दिया गया, 5 है, तो इसको 5 ले लेते हैं, और ये है a, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 तियाई 12, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखो भाई 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 तियाई 12 cos थीटा। अब देखो यहां से ये रूट को इधर लाएंगे या तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, चाहे रूट को इधर लाओगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो 25 बराबर ये 4 प्लस 9 प्लस 12 cos थीटा हो जाएगा। अब देखो 9 अचार 13, 13 हो जाएगा, अब 25 13 ही है इधर तो माइनस में कर लेते हैं, बराबर 12 cos थीटा, या क्या हो जाएगा देखो ये भी 12 आएगा, तो 12 बराबर 12 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 12 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर यदि 1 आ जा रहा है तो थीटा का मान कितना होगा, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो cos थीटा बराबर cos 0 यानी कि cos cos कैंसिल यानी थीटा बराबर 0 यानी 0 डिग्री यहाँ पे एंगल आ रहा है, समझ में आ गया होगा। इसी में क्वेश्चन आपको एंगल फाइंड करने के लिए या तो एक फैक्टर दे देगा और रिजल्टिंग फैक्टर दे देगा, दूसरा वेक्टर निकालने के लिए बोल देगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बढ़ाते रहेगा, फंसाते रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन हम चलते हैं, और इस लेवल का क्वेश्चन जब चलेंगे तो आपका बुद्धि जो होगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और कभी भी कहीं भी कोई भी प्रकार का वेक्टर हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वेक्टर से, तो आपसे छूटेगा नहीं, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो चाहे मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर यहाँ पे आपका क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, यदि आपको देगा इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर एंड आर बराबर ए प्लस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी कि दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टिंग वेक्टर आर है, और आर बराबर यानी कि जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो ए प्लस बी के बराबर है, तो फाइंड कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। दिखाई नहीं दे रहा, हम बोल दिए हैं, ठीक है, लिख दिए हैं, बोल भी दिए। तो देखिए क्या लिख तो दिया गया है वहां पे, रेड कहां, वेक्टर ए प्लस बी, यानी कि हमको मालूम चल गया कि वेक्टर ए प्लस मान के चलते हैं कि ये कोई वेक्टर होगा और ये कोई वेक्टर होगा, ये रिजल्टिंग वेक्टर है और यहां से ये कोई वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी बराबर ई ए है और ई बी है और ई वेक्टर आर है, और यही बराबर वेक्टर ए प्लस बी है, ठीक है, यही चीज दिया गया है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है एंगल कितना होगा दोनों के बीच में एंगल, अब दिया गया ही हमको एंगल मालूम है, यानी 0 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, बस वही फाइंड करना है कि एंगल होगा तो कितना होगा। ये फिगर रफ फिगर था ऐसे समझाने के लिए। तो दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर एंड वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी, हम पढ़ चुके हैं आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, देखो जखनी स्मॉल था तो स्मॉल लिया, कि कैपिटल लिया तो कैपिटल ले रहा है, 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो r का मान दिया गया है a प्लस बी, r का मान दिया गया है कितना, a प्लस बी दिया गया, तो यहां पे हम लोग लेंगे a प्लस बी ले लिए, और ये कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है तक। हम बोले अभी बोले थे क्या चीज, कि जब रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, या बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, या स्क्वायर को इपटी रूट को लेके चल जाएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो इसको लेके चलाते हैं इपटी तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा हो गया। अब इसके आगे क्या होगा,
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं क्या चीज, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। तो यहां पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा भाई, देखो रेड से देखो काट रहे हैं, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी, बी स्क्वायर इधर भी, बी स्क्वायर इधर भी, टू ए बी इधर भी, टू ए बी इधर भी, दोनों कैंसिल, बचा क्या चीज, तो वन बराबर कॉस थीटा, यानी कि चूंकि कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर वन आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर वन। कॉस थीटा में किसका मान होता है, कॉस जीरो का मान होता है, जीरो डिग्री। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर जीरो डिग्री आपका आंसर हो गया। तो फाइंड द एंगल, एंगल मालूम चल गया कि जीरो डिग्री पे, यानी एक ही लाइन पे होगा, जीरो डिग्री एंगल होगा। इसी में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, तीन चार क्वेश्चन देखेंगे, तीन चार कंडीशन देखेंगे, और तीन चार कंडीशन देखने से आपका नॉलेज जो होगा वो और आगे चल जाएगा। किसी भी प्रकार का वेक्टर का क्वेश्चन यदि रहेगा तो आपसे बन जाएगा। तो इसमें है दिया हुआ आपके वेक्टर ए प्लस बी बराबर आर है, और आर बराबर अब की ए माइनस बी दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहां पर दिया गया है गिवेन वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड आर बराबर ए माइनस बी है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी के बीच एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम क्या चीज, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, हम लोग क्या जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, इतना तक हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि r का वैल्यू दिया गया, रिजल्टेंट जो है, देखो क्या कह रहा है कि वेक्टर a प्लस b बराबर r होगा, और r बराबर a माइनस b दिया गया है, तो अब पूछ रहा है कि रिजल्टिंग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो r बराबर यहां पे क्या दिया गया है, a माइनस b बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब a माइनस बी बस वही चीज करना है, रूट को इधर से हटाएंगे, अब रूट को यहां से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई नया चीज नहीं कर रहा है, पहले क्या चीज कर रहा है। अब यहां पे ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देख लेते हैं कि ए स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, टू ए भी इधर भी है और इधर भी है, देखो टू ए भी इधर भी है और इधर भी है, टू ए भी गुना में, देखो अच्छा सा थोड़ा सा माइनस है इधर लगा लो, कोई कहेगा माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, देखो माइनस टू ए बी बराबर टू ए बी कॉस थीटा, अब समझ में आया, टू इधर भी, ए इधर भी, बी इधर भी, इधर भी कैंसिल, यानी कॉस थीटा बराबर माइनस वन, कॉस थीटा बराबर माइनस वन, इसलिए कॉस माइनस वन किसका मान होता है, कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस वन। यदि नहीं जानते हैं आप लोग तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, इतना का मान लिख लीजिएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट 3/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 120 का मान कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा और इसका -1 हो जाता है। ये आपका कॉस का वैल्यू होता है, ये आप लिख लीजिएगा, ये काम देगा इसमें वेक्टर में। तो केवल कॉस का क्यों बताना, क्योंकि कॉस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कॉस 180 लिखा हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे थीटा बराबर आपका 180 डिग्री फाइंड हो गया, समझ में आ गया। यहां तक थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आपका 180 डिग्री आ गया। अब देख लेते हैं यहां से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी में रहेगा। देखो तीन चार कंडीशन बोले थे आपको, दो कंडीशन हमने देख लिया, एक प्लस में देखा तो 0 डिग्री, एक माइनस यदि रिजल्टेंट रहेगा ये माइनस बी, तो कितना आ गया 180 डिग्री रहेगा। यदि अब की क्या रहे, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना, बस वही क्वेश्चन वही है, तीन कंडीशन चार कंडीशन बोले थे। तो फर्स्ट कंडीशन आपका प्लस वाला था,
प्लस रहेगा, सेकंड कंडीशन ये था, थर्ड कंडीशन ये हो गया। तो दिया क्या चीज गया, गिवेन, गिवेन क्या चीज है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आर है, और आर बराबर आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फ्रॉम ट्रिएंगल्स लॉ, या आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, ट्रिएंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हमने ये चीज पढ़ा है। तो आर का मान दिया गया है कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रूट से रूट कैंसिल, अगर इतना कंफ्यूजन लग रहा है दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इधर क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस में इधर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों प्लस में इधर आके माइनस हो गया, टू ए बी कॉस थीटा, सब कट जाएगा, कट के कितना जीरो आ गया, बराबर टू ए बी कॉस थीटा। अब देखेंगे इसमें क्या चीज था, जीरो बराबर आ गया टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर टू ए बी गुना में है इधर जाएगा तो यही जीरो हो जाएगा, जीरो, तो कॉस थीटा बराबर कॉस में जीरो का मान कितना का होता है, 90 डिग्री का, कॉस कॉस कैंसिल थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी तीन कंडीशन हम लोग देख लिए, यदि प्लस रहेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस रहेगा तो 180 आएगा, माइनस रहेगा तो कितना आएगा, माइनस रहेगा तो नहीं, प्लस रहेगा तो जीरो आएगा, माइनस रहेगा तो 180 आएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रहेगा रूट में तो ये 90 डिग्री आएगा। अब एक लास्ट कंडीशन और है, बस वीडियो अंत हो जाएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन देख लीजिए, से बुद्धि बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यदि वेक्टर का हिला के छोड़ दीजिएगा एकदम ताबा तोड़। अब इसमें नेक्स्ट में क्या चीज है, आर बराबर देखिएगा इजिक पड़े, एंड आर का मैग्नीट्यूड बराबर ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, तीनों बराबर है, तब का कंडीशन होगा, एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है। देखिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है सर, तो देखिएगा इसमें क्या करना है, जब वेक्टर पढ़ा ही रहे तो क्यों ना उतना लेवल तक पढ़ा दे कि आप बोल्ड हो जाए वेक्टर को, वेक्टर को एकदम अच्छा तरीका से मैथ से लेकर फिजिक्स तक आप लपेट सकते हो। तो वेक्टर ए बराबर प्लस बी बराबर आर रिजल्टिंग वेक्टर दिया गया है, एंड क्या दिया गया है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, और बराबर है यानी कि सब आपस में बराबर है, तो एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या चीज कि r जो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखेंगे कि r जो है a और b सब बराबर है r के, या रिजल्टेंट को हम r बराबर a बराबर b भी लिख सकते हैं, देखो r बराबर a बराबर b, क्योंकि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि स्केलर फॉर्म में जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो स्केलर फॉर्म में वो आ जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहां से r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है तो इसको आर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आर बराबर ये बराबर इतना सबको आर के फॉर्म में कर देते हैं, प्लस टू आर इंटू आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ए का मान बी का मान सब आर के बराबर ले लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। देख भाई आर स्क्वायर ये रूट को इधर लेकर आते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो क्या करना है कि एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या तो इसको इधर लेके चलाते हैं, देखो सिंपल सा चीज है, दोनों को इधर लेके चलाते हैं तो कितना माइनस आर स्क्वायर बराबर ये को एगो कैंसिल, एगो के इधर लेके चलाते टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। देखो क्या होगा, माइनस आर ये आर से आर कैंसिल, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन बराबर टू कॉस थीटा, तो माइनस वन बाई टू ये गुना में है, दो तो इधर भागा में चल जाएगा,
बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर, इसलिए कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाई टू। याद करो कॉस थीटा का मान माइनस वन बाई टू कब होता है, थीटा बराबर कितना होता है तो कॉस का मान माइनस वन बाई टू होता है। तो आप हम जानते हैं कितना होता है, 120 डिग्री यानी 3π/2 यानी 3π/ कॉस थीटा बराबर कॉस 120 को या और क्या लिख सकते हैं, 2π/3 और 3 हाँ 2π/3। तो कॉस थीटा बराबर इतना हो गया, तो थीटा बराबर 120 डिग्री या 120 डिग्री या रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से रेडियन में चेंज कर देंगे। तो ये रेडियन में चेंज कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76/18, 6 × 12, तो 2π/3 भी आपका आंसर रेडियन में दे सकता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर का बहुत ही जबरदस्त पोर्शन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आपको बताया गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका जाएगा वो जाएगा किस पे, सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ला फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है सब्ट्रैक्शन, फिर उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, फिर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर दो को इक्वल कैसे होगा, और इक्वल होगा तो उसका जो कंपोनेंट होगा, उसका जो सदस्य होगा, मेंबर होगा, वो इक्वल होगा, तब वेक्टर इक्वल होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको उसमें दिखाई देंगे और कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त आपको दिया जाएगा। तो भाई अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक करो और धनाधन सभी दोस्तों तक भेज दो, ताकि वो लोग भी इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा सके। थैंक यू मेरे दोस्त।